क्या प्रेगनेंसी में चाउमीन, हक्का नूडल, चाइनीज खा सकते हैं? क्या ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ है? वेल गाइस, मैंने थोड़े बहुत रिसर्च और गूगल किए थे, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि जिस तरह से मार्केट में स्ट्रीट में चाइनीज मिलते हैं, तो उस टाइप का नूडल्स, मैगी, चाइनीज, ये सब चीज़ें खाना बिल्कुल हार्मफुल है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। जी हाँ, जिस तरह के हम चाइनीज खाते हैं मार्केट में, उन सब खानों में कुछ हानिकारक तत्व होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसमें कुछ हानिकारक तत्व होते हैं जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज को नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि हक्का नूडल चाइनीज वगैरह बनाते हो, बहुत सारे सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है, विनेगर, अजीनामोटो और बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली मैगी वगैरह में एक पाउच, मसाले का पाउच होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इट्स वेरी हार्मफुल। अगर आप खाते भी हो, उसे बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। मैगी एक जंक फूड है, बहुत ही बेकार खाना है, इसे एक्चुअली खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर खाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बहुत ही लेस खाएं, बहुत ही कम खाएं और उसको थोड़ा सा हेल्दी बना के खाएं। अब आप बोल रहे होंगे सारा दुनिया तो नूडल्स, चाइनीज यही सब खाते हैं। जी हाँ, साइड चाइना, जापान जैसे कंट्रीज में इसी नूडल्स को बहुत ही हेल्दी वे में बना के खाया जाता है, उनके अपने तरीके होते हैं, लेकिन हम इंडियंस ऐसे नहीं खाते, उसमें तड़का मसाला ठोक के अजीब तरीके से खाते हैं, जिसे स्वाद में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से हमारे लिए इतना एप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो आज का वीडियो मैं इस टॉपिक बना रही हूँ कि क्या गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी हक्का नूडल, चाइनीज वगैरह खा सकती है। मैं यही कहूँगी कि एज ए जंक फूड के रूप में खा रहे हैं तो ना खाएं, लेकिन इस टाइमिंग में कहते हैं कि बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है, तो अगर आपको बहुत ही इच्छा हो रही है तो आप बहुत लेस खाएं, लेकिन घर में बना के खाएं, और उस नूडल चाइनीज को भी बहुत ही हेल्दी वे से बनाएं, जो मार्केट में मिलते हैं मसाले, सॉसेस, विनेगर, अजीनामोटो, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बहुत सारा सब्जियां डालें, जो नूडल्स है उसको थोड़ा हेल्दी वे में पकाएं और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस डालें, फिर खाएं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, हाउ टू मेक चाउमीन फॉर प्रेग्नेंट लेडी। जी हाँ, वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल सारा तरीके से बनाऊंगी, जिसमें मैं किसी भी प्रकार के सॉसेस वगैरह, विनेगर वगैरह, अजीनामोटो कुछ भी यूज नहीं करूंगी, यानी कि घर में जो भी हेल्दी चीजें हैं उसे ही समेट के हम बनाएंगे, जिससे कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी खाए तो उसके कोई नुकसान ना हो, नूडल के साथ साथ उसे पोषण तत्व भी मिले। तो चलिए, मेरे घर में जो भी सामान है, जैसे भी है, मैं बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए, आज मैं बताती हूँ आपको कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए किस तरह से हक्का नूडल, चाइनीज यानी कि चाउमीन किस तरह से घर पे ही बनाएं और हेल्दी तरीके से खाएं। बाय द वे, ये डिश आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पड़ोस में जो है उन्होंने डिमांड किया है, पड़ोस में जो रहते हैं वहाँ पे एक सिस्टर है, तो वो प्रेग्नेंट है, अभी उनका 5वां महीना चल रहा है, तो उनको चाइनीज खाने को बहुत मन कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही चाउमीन को अच्छे से प्रॉपरली बॉइल कर लिया था, उसका वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है क्योंकि दिखाऊंगी तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर नूडल को अच्छे से बॉईल करने का तरीका आप जानना चाहते हैं, उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा हाउ टू बॉईल नूडल्स प्रॉपरली, जिसका वीडियो मैं बहुत पहले बना चुकी हूँ। चलिए, पैन गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पे ऑयल ऐड करते हैं। 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है मैंने, तो ऑयल जो है मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद ये चॉप्ड ऑनियन मैंने 2 मीडियम साइज छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह से चॉप किया है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखेंगे, इस चाउमीन कुकिंग के दौरान ज़्यादातर टाइम हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़े से फ्रेश करी लीफ्स ऐड कर देती हूँ। चाउमीन में कोई करी लीफ्स तो डालता नहीं है, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि होम मेड चाउमीन है और ये स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, तो कड़ी पत्ता हेल्दी रहता है बहुत। तो चलिए, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। और चलिए, साथ ही साथ स्लिट ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, तीखा जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। और स्लिट करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि खाते वक्त मुंह में ना आए। बस ऑनियन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 2-3 मिनट। अब उसके बाद ये 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक है,
जिसको मैंने लाइटली क्रश कर लिया था, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। चाइनीज में जो है ज़्यादातर चीज़ें चॉपिंग करके ही डाली जाती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इज स्मेलिंग सो गुड। अब हमें फटाफट से चीज़ें डालने के बाद कुछ सेकेंड इस तरह से हिला लेना है एंड बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। दो मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए थे और छोटे छोटे टुकड़े में मैंने स्लाइस कर लिए हैं, इसको डाल लेते हैं। टोमेटो इसलिए डाल रही हूँ थोड़ा ये सॉस वगैरह का काम करेगा, जैसे कि रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, वो चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा टोमेटो जो है थोड़ा सॉसेस का काम करेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हमें एक से डेढ़ मिनट इस तरह से कुक करते हुए थोड़ा सा टोमेटो को मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। मेल्ट ही करें ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब जैसे कि हम हेल्दी चाउमीन बना रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ मैं। ग्रीन बेल पेपर एंड रेड बेल पेपर यहाँ पे मैंने चॉपिंग करके रखे थे दो मीडियम साइज के, इसको भी हम डाल देंगे। सब्जियों को ज़्यादा कुकिंग नहीं करना है, दो तीन मिनट स्टीर कर लेना है हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में। और हाँ, आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, मेक श्योर कि हेल्दी चीज़ें ही डालें, ठीक है। एक चीज़ का और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए इनमें से किसी भी चीज़ से आपको अगर प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, तो उसे स्किप कर दे। सब्जियाँ डालने के बाद साथ ही साथ हम टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल लेती हूँ, थोड़ा सा कलर आ जाएगा इससे। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे ज़्यादा तीखा तो नहीं होता है, डाल रही हूँ, थोड़ी अच्छी कलर भी आ जाएगी। गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए मैंने मीडियम कर रखा है क्योंकि हमने अभी मसाले डाले हैं ना। तो अब चलिए हम यहाँ पे सॉल्ट डालते हैं, जो नूडल्स है उसके हिसाब से भी डालना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तो देखिए हो गए हैं, कैप्सिकॉर्न को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब चलिए ये सारे नूडल्स हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दो पैकेट नूडल लिए थे, चलिए इसको थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई कर दिया है। देखिए रेड चिली पाउडर वगैरह नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़े से कलर के लिए डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव केमिकल वाले चीज़ यूज़ नहीं की है, जैसे कि आपने देख लिया है, क्योंकि हमें इसे बहुत हेल्दी बनाना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है नींबू का रस डाल रही हूँ, विनेगर ना डाल के, और थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ, बहुत ही लाइट सोया सॉस है ये, चाहे तो स्किप कर दे। तो सारे प्रेग्नेंट लेडी को मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी मार्केट में, स्ट्रीट में, होटल्स में ना खाएं, खाते भी है तो सोच समझ के, ध्यान से देख के, ट्रस्टेड जगह में ही खाएं। ये अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, तो ये हो गया है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सो, मेरे पास आज घर में कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना से सर्व कर रही हूँ। आप धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता किसी से भी सर्व कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आप यहाँ पे तुलसी के पत्ते भी छिड़क सकते हैं, इट्स बेस्ट फॉर यू। सो गाइस, तैयार है प्रेग्नेंट लेडी के लिए गर्मा गर्म हेल्दी चाउमीन, हक्का नूडल्स, जो भी आप बोले, चाइनीज बोले, जो भी बोले, अब आप इसे भी बेफिक्र तरीके से खा सकते हैं। सो तैयार है, एक्चुअली मैं देख के आती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेल्दी तरीके से हमने होममेड चाउमीन बना लिया है स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी। सब में से भी कोई अगर प्रेग्नेंट है या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, इस तरह से बना के खिलाते हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, माँ और बच्चे की सेहत में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे टाइमिंग में थोड़ा कम खाएं, और जब भी बनाए बहुत सारी अपनी मनपसंद सब्जियाँ, न्यूट्रिशन वाली सब्जियाँ ऐड करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं थम्स अप कर दें, कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं, और आपके जान पहचान में कोई प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, टिक टॉक, ताकि मेरे ऐसे अच्छे अच्छे अपलोड आपको मिलते रहे।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।